हेलो फ्रेंड, मैं हूँ आर्य। इस वीडियो में मैं आपके लिए काफी सारे इंटरेस्टिंग अपडेट लेके आया हूँ। अगर आपने वीडियो को लाइक किया नहीं है तो लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो। अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए डेली अपडेट रिलेटेड वीडियो लेके आता रहता हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना इंट्रो के। तो पहले बात कर लेते हैं कुछ टेक अपडेट्स के बारे में। तो पहला अपडेट निकल के आ रहा है गूगल पिक्सल 3 और 3 एक्सल की तरफ से, जिसकी लॉन्चिंग डेट कन्फर्म कर दी गई। यह लॉन्च हो गई 8 मई 2019 को। वहीं इन स्मार्टफोन के कुछ पोस्टर्स तीस कर दिए गए हैं फ्लिपकार्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे, यानी कि यह अवेलेबल हो जाएगा सबसे पहले फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे। अगले अपडेट के बारे में बात करते हैं तो अगला अपडेट आ रहा है वन प्लस की तरफ से। वन प्लस के बुलेट्स वायरलेस 2 ईयरफोन्स और वाप चार्जर, जो कि एक कार चार्जर है, जल्द लॉन्च हो सकते हैं ग्लोबली। अगर इसके एक्सपेक्टेड डेट की बारे में बात करें तो यह लॉन्च हो सकता है 14 मई को वन प्लस 7 और वन प्लस 7 प्रो के कुछ ही दिनों बाद में। अगले अपडेट के बारे में बात करते हैं तो अगला अपडेट आ रहा है टिकटॉक की तरफ से। सो फाइनली टिकटॉक अवेलेबल हो गया गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर। अब आप जाके गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से इस टिकटॉक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सके एंजॉय कर सकते हैं। अगले अपडेट के बारे में बात करें तो अगला अपडेट आ रहा है रेडमी के नए स्मार्टफोन की तरफ से। सो रेडमी ने टीज कर दिया अपना फ्लैगशिप स्मार्टफोन, जिसका नाम हो सकता है रेडमी एक्स। यह टीज किया है पॉपअप सेल्फी कैमरा और ट्रिपल रियर कैमराज के साथ। वहीं अगर बात करें इस स्मार्टफोन के बारे में तो यह स्मार्टफोन कम्पीट करेगा रियलमी एक्स को, जो कि रियलमी का भी एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन होने वाला है, जो कि फुली वेजलेस डिस्प्ले के साथ आएगा और पॉपअप सेल्फी कैमरा के साथ। तो चलिए अगले अपडेट के बारे में बात करते हैं। तो अगला अपडेट आ रहा है वन प्लस 7 प्रो की तरफ से। सो वन प्लस 7 प्रो के कुछ कैमरा सैंपल लीक्स हुए हैं, जो कि 3x ऑप्टिकल जूम लेंस के साथ खींचे गए हैं। आप इमेज में देख सकते हैं, जो कि काफी क्वालिटी वाइज अच्छे हैं। तो चलिए अगले अपडेट के बारे में बात करते हैं। तो अगला अपडेट आ रहा है फेसबुक की तरफ से। सो फेसबुक ने F8 2019 डेवलपर कॉन्फ्रेंस में टॉप 5 अनाउंसमेंट किए हैं। अगर आप इन अनाउंसमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो लिंक मिल जाएगी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि ये अनाउंसमेंट को काफ़ी सारे और काफ़ी ज़्यादा हैं, सो मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। अगला अपडेट आ रहा है रियलमी एक्स की तरफ से। जैसा कि मैंने अभी बताया था, रियलमी की तरफ से एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन आने वाला है, जो कि इंडिया में नहीं चाइना में लॉन्च हो रहा है। वहीं इसके बारे में बात करें तो इसमें प्रोसेसर होगा फ्लैगशिप प्रोसेसर, जो कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 और पॉपअप सेल्फी कैमरा के साथ। अगला अपडेट आ रहा है वीवो के Z3X स्मार्टफोन की तरफ से, जो कि ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है चाइना में। वहीं इस स्मार्टफोन के इंडियन लॉन्चिंग के बारे में बात करें तो फिलहाल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लिए तो 6.26 इंच की IPS फुल HD प्लस डिस्प्ले दी गई है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर के साथ यह स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है। अगर इसके वेरिएंट के बारे में बात करें तो यह 4GB रैम प्लस 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, जिसको आप बढ़ाकर 256GB तक कर सकते हैं। कैमरा दिया गया 13+2 MP का डुअल रियर कैमरा, और वहीं सेल्फी की बात करें तो सेल्फी के लिए 16 MP का कैमरा दिया गया है। अगर इस स्मार्टफोन के प्राइसिंग के बारे में बात की है तो इसकी प्राइसिंग हो सकती है इंडियन करेंसी के हिसाब से ₹12,500, जो कि काफ़ी अच्छी प्राइसिंग है इसके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। यह स्मार्टफोन आ रहा है काफ़ी सारे ग्रेडिएंट कलर के साथ, जो कि काफ़ी डिसेंट लग रहे हैं। अब बात कर लेते कुछ वीडियोज और मूवीज अपडेट के बारे में। तो पहला अपडेट निकल के आ रहा है सलमान खान की मूवी भारत की तरफ से, जिसका नया गाना आ गया है, जिसका नाम है चाशनी। वो अब अवेलेबल हो गया है सुनने के लिए। अगर आप उस गाने को सुनना चाहते हैं तो लिंक मिल जाएगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जरूर जाकर उस गाने को चेकआउट करें। तो अगले अपडेट के बारे में बात करते हैं तो अगला अपडेट आ रहा है स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 की तरफ से, जिसका नया गाना होकअप सॉन्ग भी रिलीज हो चुका है, जिसमें आप टाइगर श्रॉफ के साथ आलिया भट्ट को देख पाएंगे। इस गाने की भी लिंक मिल जाएगी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर जरूर चेकआउट करें। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है आशीष चंचलानी की तरफ से। जैसा कि मैं बता दूं, आशीष चंचलानी की नई वीडियो आने वाली थी, लेकिन वह वीडियो अभी आई नहीं। वह कह रहे थे कि इस वीडियो को लॉन्च कर देंगे 13 मई को, लेकिन उस वीडियो में कुछ मेजर इश्यू हो जाने के कारण उस वीडियो को 20% वीडियो को रीशूट करना पड़ना है। सो अगर आप उनकी वीडियो को इंतजार कर रहे हैं तो आपको थोड़ा और वक्त लगेगा। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है संदीप महेश्वरी की तरफ से। सो संदीप महेश्वरी की नई वीडियो आ गई, जिसका नाम है अपने माइंड को आप कैसे क्लियर करें। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो लिंक मिल जाएगी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो कि अभी उन्होंने अपने चैनल पे इसको अपलोड किया है। बात कर लेते कुछ आज के ट्वीट्स के बारे में। तो पहला ट्वीट निकल के आ रहा है साइमन सेज की तरफ से। सो फाइनली साइमन सेज प्यूडीपाई से मिले और उनके साथ एक पिक्चर को शेयर करते हुए उन्होंने अपने ट्विटर आईडी पे ये ट्वीट किया, द मोस्ट हम्बल मैन आई हैव एवर मीट, थैंक यू @PewDiePie फॉर इंस्पायरिंग क्रिएटर अराउंड द वर्ल्ड, आई वॉज ट्राइंग टू कीप दिस ए सीक्रेट अंटिल आई अपलोड माई कोलैब विद हिम, बट दे हियर वी गो हा, न्यू वीडियो विद द हैशटैग वन इन द वर्ल्ड ऑन इट्स वे। सो आप देख सकते हैं वो PewDiePie से फाइनली मिल चुके हैं। अगले ट्वीट के बारे में बात करते हैं तो अगला ट्वीट आ रहा है टेक्नो रोहिज की तरफ से। सो टेक्नो रोहिज ने कुछ ही दिनों पहले अपने पीटोन स्पीकर्स का गिव अवे किया था, जो कि 20 गिव अवे किए थे उन्होंने पीटोन स्पीकर्स को। अगर आपने उस वीडियो में पार्टिसिपेट किया था तो उसके विनर्स को उन्होंने अनाउंस्ड कर दिया है। सो आप देख सकते हैं कि वह कौन कौन अनाउंस है, मैं आपको ये लिस्ट दिखा देता हूँ। तो फाइनली बात करते हैं आज की यूट्यूब पे ट्रेंडिंग पेज के बारे में। तो ट्रेंडिंग पेज पर नंबर वन पे है आज भी आरके डुगल स्टूडियोज की मूवी, जिसका नाम है इंस्पेक्टर विजय। व्यूज इसमें 31 मिलियन व्यूज 2 दिन के अंदर। अब बात करते हैं यूट्यूब के ट्रेंडिंग म्यूजिक के बारे में। तो ट्रेंडिंग म्यूजिक पे बरकरार है भारत का स्लो मोशन सॉन्ग, जिसमें व्यूज है 36 मिलियन व्यूज 6 दिन के अंदर।
बात करते हैं YouTube गेमिंग ट्रेंडिंग के बारे में, तो YouTube गेमिंग ट्रेंडिंग पे नंबर वन पे कैरी इज लाइव की वीडियो जिसका नाम एपेक्स लीजन विद द सिंचेन, व्यूज इसमें 286,000 व्यूज 15 घंटे के अंदर। फाइनली बात करते हैं YouTube के ट्रेंडिंग मूवीज ट्रेलर के बारे में, तो ट्रेंडिंग मूवीज ट्रेलर पर बरकरार है भारत मूवीज का ट्रेलर जिसमें व्यूज 39 मिलियन व्यूज एक हफ्ते के अंदर। सो बस फ्लैर की वीडियो में बस मेरे पास इतनी अपडेट से, अगर आपको ये अपडेटेड वीडियो काफी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, कोई सजेशन हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपसे मिलता हूँ अगली एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।